फिल्मों के पोस्टर्स तो आपने देखे ही होंगे, क्या होता है पोस्टर्स पर? सबसे बड़ी तस्वीर हीरो की, फिर हीरोइन, कभी कभी विलेन, और फिर भी अगर जगह बच गई और फिल्म में कोई बड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो उसका चेहरा भी छाप दिया जाता है। 1958 में एक फिल्म आई थी मुजरिम। फिल्म में शम्मी कपूर, गीता बाली और जॉनी वॉकर जैसे बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन फिल्म के पोस्टर पर इनमें से किसी एक को भी जगह नहीं मिली, क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनकी लोकप्रियता, फैन फॉलोइंग और दीवानगी पागलपन की हदें पार कर चुकी थी। मुजरिम के पोस्टर पर सिर्फ एक तस्वीर थी, हारमोनियम लिए खड़ा हुआ वो संगीतकार, और नीचे लिखा हुआ था सुरों के जादूगर ओपी नय्यर की संगीतमय भेंट मुजरिम। आज मेरे और आपके लिए ये बात किसी फेरी टेल जैसी है, इसे सच मानना मुश्किल है, लेकिन है ये सच। ये था रुतबा ओपी नय्यर का, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना शानदार आदमी, इतना बड़ा संगीतकार, जिसकी शुरुआत फिल्म के पोस्टर्स पर हुई, उसका अंत एक फैन के घर में दवाइयों के अभाव में, पैसों की तंगी और गुमनामी से जूझते हुए हुआ। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। जाने वाला तो खैर वापस नहीं आएगा, लेकिन सुनिए ओपी नय्यर के दो सदाबहार गाने और सेलिब्रेट कीजिए उनकी यादों को, यही हमारी श्रद्धांजलि है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.